हाय एवरीवन, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे ध्यान की। ध्यान मींस मेडिटेशन। व्हाई मेडिटेशन इज मस्ट। मेडिटेशन हमारे लिए क्यों ज़रूरी है? अभी पिछले 2 महीने में हम सब लोगों ने हेल्थ और हाइजीन के बारे में बहुत प्रैक्टिस कर ली और बहुत ज़्यादा ध्यान देने लगे हैं। सैनिटाइज़र एक ऐसा शब्द है जो कि हम सबको सुबह शाम सोते उठते जागते हाथ सैनिटाइज करने हैं, सब्जियों को धोना है, घर में पोछे लगने हैं, जूते बाहर रखने हैं, सफाई का ध्यान रखना है, मुझे योगा करना है, मुझे फिट रहना है, मुझे अपना इम्यूनिटी लेवल बूस्ट करना है, मुझे अपने आप को पावरफुल बनाना है। सो फिजिकली हेल्थ के ऊपर हमने पूरा ध्यान दे रखा है, मेंटली हेल्थ के ऊपर हम कितना ध्यान दे रहे हैं? सो उसके लिए आई थिंक मेडिटेशन से बढ़कर और कुछ नहीं है। आज बहुत बड़े बड़े धर्म गुरु हैं हमारे, बहुत सारी संस्थाएं हैं जो मेडिटेशन करवाती हैं, बहुत सारी ऐप्स हैं जो गाइडेड मेडिटेशन करवाती हैं। सो आपने क्या अपनी मेडिटेशन में प्रैक्टिस करी है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आज मेरी इस वीडियो के बाद मेडिटेशन पे ज़रूर ध्यान दें। फिजिकली सैनिटाइजेशन हो रहा है, सराउंडिंग्स में सैनिटाइजेशन हो रहा है, बट हम अपने मेंटली कितने सैनिटाइज्ड हैं? क्या हम पुरानी बातों को लेके बैठे हुए हैं? क्या हम थोड़ी सी बात में डिस्टर्ब हो जाते हैं? क्या मैं इमोशनली कमज़ोर हूँ? मैं मेंटली कितनी स्ट्रांग हूँ? सो दिस इज़ द टाइम, चेक योर मेंटल हेल्थ। इसके लिए आपको सुबह शाम अगर 20-20 मिनट आप बैठना शुरू करोगे सो आपको अपनी मेंटल हेल्थ को स्ट्रांग कर पाओगे, और मेंटली स्ट्रांग होंगे तो फिजिकली भी आप स्ट्रांग हो जाएंगे। और इसके 2-4 टिप्स हैं जो मैं आपको देना चाहूँगी, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो आजकल टीवी पे हैं, बाबा रामदेव हैं, हमारे रविशंकर जी हैं, और बहुत सारे पहुँचे हुए लोग हैं जिनको मैं भी फॉलो करती हूँ, लेकिन मुझे बेनिफिट हुआ है मेडिटेशन से, जो मैं आज आपसे शेयर करना चाहती हूँ कि इफ़ आई कैन यू ऑल कैन। थोड़ा सा फिजिकल अपनी एक्सरसाइज करने के बाद जब पूरे शरीर में आपको पेल्पिटेशन हो, थोड़ी हार्ट बीट बढ़ी हुई हो और पसीने निकल रहे हों, उसके बाद आप ध्यान लगा के एक शांत जगह में बैठ जाएं। शुरू में बड़ी प्रॉब्लम होगी, बैठा नहीं जाएगा, एंजाइटी होगी, ख्याल आएंगे, आने देना, लेकिन एक जिसको कहते हैं एक अलार्म लगा के बैठ जाना कि मुझे 20 मिनट अपनी आंखें बंद करके बैठना ही है, एंड स्टार्ट एनालाइजिंग योर सेल्फ, स्टार्ट ऑब्जर्विंग योर बॉडी फ्रॉम इनसाइड, यू विल फाइंड योर बेस्ट फ्रेंड विद यू। हु इज योर बेस्ट फ्रेंड? यू योर सेल्फ, मी माई सेल्फ। ना कोई मुझे उदास कर सकता है, ना कोई मुझे पैम्पर कर सकता है, दिस इज़ ओनली मी जो अपने आप को स्ट्रांग रख सकती हूँ। सो अब आपको करना क्या है? आप सुबह शाम अपनी मेडिटेशन करिए, सुबह की मेडिटेशन आपको तैयार करेगी पूरे दिन के लिए, और शाम की मेडिटेशन आपकी थकान उतारेगी। आप कोई भी, जैसे ये बुद्धा जी का आइडल है मेरे पास में, इनको देख के मुझे बहुत शांति मिलती है। आप अपने जिस भी भगवान को मानते हैं उनका ध्यान दें, और धीरे धीरे आप अपने आप में उतरते जाएं, और जब आपकी आपसे मुलाकात होगी वो दिन ही कुछ और होगा। स्टार्ट डांसिंग विद यू, स्टार्ट टॉकिंग विद यू, और इट्स ए प्रोसेस, इट्स नॉट जस्ट इन ए 1 month और 2 month और 3 months, सालों लग जाते हैं अपने आप को पाने के लिए। सो विश यू ऑल द बेस्ट। सो ध्यान करिए, मेडिटेशन करिए, एंड इट्स अ चैलेंज, गिव चैलेंज टू योरसेल्फ, और जस्ट फॉलो जिसको भी आप ध्यान में ले सकते हो गाइडेड मेडिटेशन के लिए। अब चलते चलते एक छोटी सी मुझे कहानी याद आ गई। एक तोता था, और वो तोता एक सोने के पिंजरे में एक राजा के यहाँ बंद था, और वो जो राजा के यहाँ पे एक रीत थी कि हर हफ्ते 2 बार एक पंडित आता, और पंडित वहाँ पे एक कथा सुनाता, और कथा के अंत में कहता, हरी मिले तो बंधन छूटे,
हरी मिले तो बंधन छूटे, ये बोलते ही तोता कहता पंडित झूठा है। पंडित को बहुत शर्म आती, वो चला जाता और ये सिलसिला चले जा रहा था। सो पंडित को एक दिन बहुत बुरा लगा और वो अपने गुरु के पास चला गया कि गुरु जी, मैं ऐसे एक राजा के यहाँ पे कथा करने जाता हूँ और एंड में जैसे ही मैं कहता हूँ हरी मिले तो बंधन छूटे और तोता कहता है पंडित झूठा, तो मुझे बहुत शर्म आती है राजा ने, और राजा के सामने मेरी बेइज्जती हो जाती है, लेकिन मैं करूँ क्या। सो गुरु ने कहा चलो मैं आपके साथ चलता हूँ उस तोते को मिलने। जब गुरु जी वहाँ तोते के साथ मिले और उन्होंने देखा ये सारा एपिसोड, सो गए तोते के पास। तोते तू ऐसे क्यों बोलता है? तोते ने कहा बिल्कुल, हरी मिले तो बंधन छूटे, ये झूठा है। उन्होंने कहा क्यों? उसने कहा मैं एक आजाद पंछी था, एक दिन उड़ रहा था, एक आश्रम के बाहर बैठ गया, वहाँ कथा चल रही थी, कथा सुनते सुनते मैंने भी दो शब्द बोल दिए राम राम। वहाँ एक साहूकार था, उसने उठाया और मुझे पिंजरे में बंद कर लिया और कहा ये तो तोता बोलता है, मैं अपने घर ले जाऊँगा, मेरे पत्नी बच्चे बहुत खुश होंगे। और लोहे के पिंजरे में वो मुझे अपने घर ले आया। अब हुआ क्या, राजा के यहाँ से उस साहूकार को न्योता आया कि आपको मेरे घर आना है। साहूकार ने सोचा मैं क्या गिफ्ट लेके जाऊँ। उसने कहा कि ये तोता ही दे देता हूँ, ये बोलने वाला तोता है। अब बोलने वाला तोता लेके जब मैं राजा के पास गया, राजा बहुत खुश हुआ, उसने चांदी का पिंजरा बनवा दिया मेरे लिए और राजा के यहाँ मैं चांदी के पिंजरे में रहने लगा और मेरी ज़िंदगी कट रही थी। बस एक दिन रानी को मेरे ऊपर बहुत प्यार आया, रानी ने मेरे लिए सोने का पिंजरा बनवा दिया और अब देखो मैंने हरी का नाम क्या लिया, मैं तो आज सोने के पिंजरे में पड़ा हूँ, सोने के पिंजरे में पड़ा हूँ। और आप बताओ, हरी का नाम लेने से मुझे तो पिंजरा मिला, मुझे कहाँ मुक्ति मिली। सो गुरु ने कहा ठीक बात है, आप कान अपना मेरे पास लाओ। और गुरु ने तोते के कान में कुछ कहा और चले गए। अब जब दूसरे दिन सुबह हुई तो देखा पिंजरे के अंदर तोता मरा पड़ा है। पूरे महल में हलचल हो गई कि अरे तोता मर गया, तोता मर गया। बाई चांस पंडित भी वहाँ आया हुआ था तो पंडित भी बड़ा परेशान हो गया। अब क्या हुआ, अभी पिंजरा खोला गया, तोते को निकाला गया और तोते को जैसे बाहर निकाला तोता फुर्र से उड़ गया। जब उड़ा तोता सामने बैठ गया तो सबने कहा अरे तोता तू तो मर गया था, ये क्या हुआ। तोते ने कहा गुरु मिले तो मुक्ति होए। तो सबने कहा ये क्या हुआ कि बिल्कुल, मुझे कल मेरे एक गुरु से मुलाकात हुई, मुझे उन्होंने ऐसा मंत्र दिया और आज मैं इस पिंजरे से आजाद हो गया। सो कहने का मतलब ये है, चाहे वो ध्यान करना हो, चाहे वो एक्सरसाइज करनी हो, चाहे वो गान करना हो, हमें गाइडेंस लेना ज़रूरी है। सो ध्यान शुरू करोगे आप, अपने आप से भी करोगे, अगर कहीं आपको कोई गाइडेंस मिल जाए, कोई गाइडेड मेडिटेशन मिल जाए तो वो बहुत अच्छी होगी, आप टेक्निक से बिल्कुल पॉइंट पे पहुंच जाओगे। सो थैंक यू फॉर लिसनिंग दिस वीडियो। तब तक लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। सो ध्यान करते रहिए और फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।